देश सहित प्रदेश भर में NRC और CAA के निर्मित कानून के विरोध में आयोजन प्रदर्शनों का दौर लगातार दिखाई दे रहा है। इसी के चलते खरगोन जिले में भी मुस्लिम समुदाय सहित दलित और आदिवासी संगठन ने संविधान के विरोध में बने इस काले कानून के विरोध में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करते हुए विरोध दर्ज कराया। हम आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को लेकर समुदाय जद्दोजहद करते दिख रहा है। वहीं रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से कानून वापस लेने की मांग कर रहा है और विरोध प्रदर्शन करने के नाम पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए गए थे। नागरिकों ने शहर के मोहन टॉकीज, अंजुमन नगर बाजार, छोटी मोहन टॉकीज, रामेश्वर टॉकीज क्षेत्र सहित अनेक बाजार सुबह से बंद रखे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जो है ऊपर दिल्ली से चला है, उसमें हिंदू मुसलमान हरिजन आदिवासी सभी संगठन सम्मिलित हैं और उसी के आधार पर खरगोन की भी जितने मार्केट मुस्लिम मार्केट है सब बंद है। मोहन टॉकीज, बड़ा मोहन टॉकीज, छोटा मोहन टॉकीज, हैदर मस्तान चौक, गांधी मार्ग, बस स्टैंड, सारी दुकानें, मुस्लिम कारोबार जितना भी है सब बंद रखा गया है। क्या क्या विरोध है आपका? ये NRC और MPR के विरोध में है और जब तक ये काला कानून हटता नहीं या बदला नहीं जाता, जब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन शेख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।